उल्लास रैना न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। आज आप फतेहाबाद में हैं, फतेहाबाद में क्यों पहुंचे हैं, आइए इसका भी कारण जानेंगे, क्यों पहुंच रहे हैं। राम राम जी। राम राम। जो आज आप फतेहाबाद में पहुंच रहे हैं तो क्यों पहुंचे हैं और यहाँ पर भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ इकट्ठा क्यों हुआ है, इसका कारण बताइए, हमारे दर्शकों का कारण बताएंगे। ये 15 दिन से यहाँ पे पड़ाव चल रहा है, जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसमें वो खेती का भी है, दो दो बार बिजाई करनी पड़ी, उसमें घरों का भी है, ट्यूबवेल मशीनरी का भी है, पशु का भी है, मानव की भी जान गई है, हानि हुई है। तो उसके सवाल पर सरकार का जो रुख है ना, मतलब बहुत ही निष्ठुरता का, संवेदनहीनता का, वो उसका परिणाम है ये वास्तव में। तो वरना तो जब जिस जिले के अंदर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ के MLA को खुद ही आ जाना चाहिए। लेकिन MLA तो यहाँ का जो फतेहाबाद का MLA है वो तो बोलता है कि मैंने काम किया हुआ है और करवा रहा हूँ मैं पानी निकासी का वगैरह जो भी। अब देखिए वो तो आज का प्रोग्राम बता रहा है, लोग कोई शौक में तो आते नहीं, इतना खराब मौसम है और आज वो हजारों की संख्या में जिस तरीके से गए तो वो दिखने ही लग रहा। वो ये बता देना कहाँ कहाँ क्या क्या राहत प्रदान की है, मतलब हम तो बाढ़ के दौरान इन इलाकों में आए थे, कहीं पर कोई प्रशासन और सरकार नाम की चीज़ नज़र नहीं आई। ये तो लोगों ने आपस में मिलके किया है सारा का सारा, चाहे उन्होंने बंधों को रोका है, चाहे वो घग्गर को टूटने से रोका है सारे, और उसके बाद पनीरी का लंगर उपलब्ध कराया। देखो बहुत बड़ी बात ये जो हमने किसान आंदोलन से सीखी है, पनीरी का लंगर, पशु चारे का लंगर, ये है जो आपसी सहयोग पंजाब और हरियाणा के अंदर रहा। लेकिन आप जो आज यहाँ के MLA से मिले, उसने जो भी आश्वासन दिया, क्या आप उससे खुश हो और क्या आगे क्या कार्रवाई करते होगे? हम हरियाणा की तरफ से यहाँ समर्थन करने के लिए आए थे, तो इस धरने की जो लोकल कमेटी है उनकी बातचीत हुई है, वो आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर वो इससे बड़ी कार्रवाई करने की करते हैं तो हम सारे ज़िलों से फिर दोबारा जो है फिर इनके समर्थन के अंदर आएंगे। आज तो हम सांकेतिक रूप में ही आए थे, लेकिन ये और जगहों पे भी जाएगा। 11 जिलों में सूखा है, 11 जिलों में बाढ़ है और सभी तरह लगभग यही स्थिति है। मुख्यमंत्री और जो दूसरे मंत्री लोग हैं कोई उनका न प्रभाव बच रहा है और सरकारी जो ड्यूटी है वो भी अपनी वो पूरी नहीं कर रहे, इस प्रकार की सरकार से पाला पड़ गया लोगों का।